अस्सलाम वालेकुम जी। दोस्तों मैं करीम का राइडर हूँ, मैं अक्सर करीम पे और ऊबर पे राइड्स लेता हूँ। तो मेरे साथ रिसेंटली एक वाकया छोटा सा पेश आया जो मैं समझता हूँ कि आपको मैं बताना चाहता हूँ। उसमें हुआ ये कि मैंने एक जगह से राइड ली 9 बजे के करीब। तो राइड मैंने ले ली, मेरे फ़ोन की बैटरी लो थी, मैंने ड्राइवर को फ़ोन करके बताया नहीं कि यार मैंने फ़लाँ जगह जाना है वरना 1-2 मिनट में मैं राइड कैंसिल कर देता हूँ। जाना मैंने ज़रा दूर था, कनाल बैंक के ऊपर, तकरीबन हरबंसपुरे से भी आगे। तो हुआ यूँ कि मैं हफीज़ सेंटर के करीब खड़ा था, मैंने राइड बुलाई, बंदा आया मुझे, मैं बैठ गया, मुझे पूछने लगा यार आपने कहाँ जाना है। मैंने कहा जी फ़लाँ फ़लाँ जगह जाना है। कहता है यार मैं तो सुबह 5:30 बजे का गाड़ी पर बैठा हूँ, मेरी तो मत मारी गई है इस वक्त। तो मैंने तो कहा था कि मुझे घर के नज़दीक की राइड मिल जाएगी, मैं उसको उतार दूंगा। मैंने कहा यार कोई बात नहीं भैया, मुझे बता मैं तेरे लिए क्या कर सकता हूँ। तो ये खैर उस आदमी की बड़ी अच्छी बात थी ड्राइवर की कि उसने कोई मेरे से बदतमीज़ी नहीं की। उसने कहा नहीं कोई बात नहीं यार, इट्स ओके, अब आप बैठ गए हैं तो अब मैं आपको छोड़ के आऊँगा, तो इट्स ओके नो प्रॉब्लम। मैंने कहा यार चलो ठीक है, लेकिन अगर फिर भी तुम समझते हो ना मैं तुम्हें कोई फेवर दे सकता हूँ तो जिस लमी ना हो बताओ, मैं कर दूँगा जो भी होगा। अच्छा उन्होंने मुझे कहा यार आप ऐसा करें फिर, मुझे 2-3 किलोमीटर के बाद आपको मैं किसी मेन स्टॉप पे उतार दूंगा, आप वहाँ से प्लीज़ राइड दूसरी ले लीजिएगा, ये आपकी मेहरबानी होगी, बरादराना उसने रिक्वेस्ट की। मैंने कहा यार ठीक है वाई नॉट। तो हुआ यूँ कि मैंने थोड़ी दूर एक मेन स्टॉप है उस पर जाके साहब ने मुझे उतारा, मैं उतर गया वहाँ उतर के। तो मैंने कहा हाँ जी ठीक है, मैं जेब से पर्स निकालने लग पड़ा। इतनी देर में उन साहब ने फटाफट अपना फ़ोन उठाया, राइड एंड की और 90 कुछ रुपीज़ बने थे और कैश रिसीव कर दिया। मैंने उसको 500 रुपये दिए, मैंने कहा यार ये 500 रुपये भाई मैंने तो रेड एंड कर दिए, 100 रुपये नहीं है आपके पास। मैंने कहा यार मेरे पास तो नहीं है 100 रुपये, मैं क्या कर सकता हूँ अब आपके लिए। तो कहते हैं यार मेरे पास तो चेंज नहीं है। मैंने कहा यार तो आप इसमें डाल दें, आप इसमें वॉलेट में डाल दें। कहते हैं यार वो तो मैंने राइट एंड कर दिए, वॉलेट में तो अब मैं नहीं डाल सकता। मैंने कहा यार कमाल हो गई, अब मैं क्या करूँ। कहते हैं यार देखें चेंज मिलता है। तो खैर मैं निकला बाहर, मैंने देखा ढूंढा शूँढा चेंज, अनफॉर्चुनेटली इतने उस इलाके के वकील ड्राइवर वो हैं अपना दुकानदार हैं, किसी मनहूस ने मुझे चेंज नहीं दिया, मैं 10 दुकानें घुमाऊँ। मैंने कहा यार फिट हूँ आप सब लोगों का। अब मैं गया वापस जाकर, मैंने जाकर ड्राइवर को बताया, मैंने कहा यार मैंने ईमानदारी से ढूंढा मुझे नहीं मिला, तब बताओ क्या चाहिए तुम्हें। फिर वो खैर आदमी अच्छा था, ड्राइवर अच्छा था, ही वॉज अ डिसेंट पर्सन, थका भी हुआ था, कोई बात नहीं हो जाता है। मैंने उसे कहा यार ये लो भाई मैं तुम्हें देता हूँ, तुम जाओ तोड़वा लो। कहता है नहीं आप ऐसा करें, आप ना जब आपके पास टाइम हुआ आप मुझे ना 100 रुपये का लोड या 50 रुपये का लोड करवा देना, इतना बड़ा मसला नहीं है, छोड़ें खैर कोई बात नहीं। तो ये इस तरह से हुआ। अब इसमें मेरी ड्राइवर्स के साथ ये रिक्वेस्ट है कि जनाबे अली थोड़ा सा हाथ हौला रखा करें राइड को एंड करते वक्त और कैश रिसीव करते वक्त, पूछ के देख के ये काम किया करें, वरना ये कैसा स्टेप है जिसके बाद आप वापस नहीं जा सकते। और राइडर्स के साथ भी मेरी एक ये बरादराना रिक्वेस्ट है कि अगर कभी कोई बंदा हमें थका हुआ मिल जाता है, कोई परेशान मिल जाता है और 100-150 रुपये की बात होती है तो हमें उसके साथ मैं नहीं समझता कि झगड़ा करना चाहिए। अल्लाह के दिए हुए माल में से लोगों की आसानी पर अगर हम खर्च करें और किसी को कुछ छोटी मोटी फेवर दे भी दें तो 10 मिनट की तंगी से हमको मार नहीं जाते। तो ये मेरा है पैगाम, और वेंडर्स के लिए भी कि मुझे यूँ लगता है कि बहुत से मैंने ड्राइवर्स देखे हैं जो वेंडर्स की गाड़ियाँ चला रहे हैं जो बहुत तंग होते हैं, यानी कि 12 घंटे हो गए गाड़ी पे बैठे हुए, 10 घंटे हो गए हैं। तो वेंडर्स को भी चाहिए कि थोड़ा सा अपने ड्राइवर्स को मार्जिन दें, कोई डंगर नहीं है या जानवर नहीं है या गधे नहीं है, आपने किसी को ज़रख़लाम ख़रीद नहीं लिया। और ड्राइवर्स को भी अगर ड्राइवर्स भी ईमानदारी से चलें और वेंडर्स भी इंसानियत से चलें और राइडर्स भी अच्छे तरीके से चलें तो हम सब के लिए मसले हल हो सकते हैं। वरना यहाँ पे यह भी हो सकता था कि वो मेरे साथ बदतमीज़ी करता, मैं उसके बदतमीज़ी करता, दोनों फ्रस्ट्रेट होते, तो वैसा कुछ नहीं हुआ, दैट्स अ वेरी गुड थिंग। तो मैं अक्सर राइड करता हूँ करीम पे ऊबर पे, तो आई विल बी शेयरिंग लॉट मोर स्टोरीज़ आने वाले दिनों में, मैं और भी इस तरह की स्टोरीज़ शेयर किया करूँगा। तो मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें, अभी यहाँ स्क्रीन पर सब्सक्राइब का लिंक आ जाएगा तो आपको आइंदा नोटिफिकेशन मिलेगा जब भी मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूंगा। और अगर वीडियो आपको अच्छी लगती है तो उसको ज़रूर शेयर करें अपने ड्राइवर दोस्तों के साथ, राइडर्स के साथ, या अपने वेंडर को दिखा दें शर्म उसको दिलाने के लिए, यू नो इट्स नॉट अ प्रॉब्लम। या आप इसको सोशल मीडिया पर भी शेयर कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग, इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी, अल्लाह हाफिज़।